हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो हम लास्ट चैप्टर हमारा करते हैं सिविक्स का, इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग फ्री है अपने डिसीजंस लेने के लिए, दे आर फ्री टू स्पीच, मतलब वहाँ पर लोग वोट कर सकते हैं, अपने अपने जो गवर्नमेंट है उनको चूज़ कर सकते हैं, ऐसी कंट्री को बोला जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, हर वोटर को राइट है इलेक्शन करने का। सो ये सारे पॉइंट्स ही हम देखते हैं कि क्यों इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फर्स्ट, इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज तो सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इज़ इंडिया। In spite of democracy, there exists a difference in the governance of these countries. In a democracy, a voter casts his own vote. The right to vote remains the same in each democratic country, though the country's governance may vary. So यहाँ पर बोला गया है कि भले ही डेमोक्रेसी हो लेकिन गवर्नेंस जो है हर कंट्री की अलग अलग होती है, हर किसी के पास राइट होता है वोट करने का। डेमोक्रेसी थ्राइव्स थ्रू द वोटिंग प्रोसेस ऑफ वोटर ड्यूरिंग इलेक्शन। Our country has parliamentary system. The parliament is a national institution representing people. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम एक वहाँ नेशन के पीपल को रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ का जो नेशन है वो किस तरीके का है, वहाँ पे किस तरीके के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज ली जाती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारा जो पार्लियामेंट है वो किस किस से बना है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। हमने ये सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी है कि राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस, लोकसभा इज द लोअर हाउस, किस तरीके से दोनों हाउसेज में डिसीजंस लिए जाते हैं। स्टेट के पास, स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, सम स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि जो स्टेट होते हैं उनके पास खाली लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, या फिर कुछ स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। वोटर इज़ एट द सेंटर इन फॉर्मिंग अ राज्यसभा। जो वोटर्स होते हैं, वोटर वोट करते हैं राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाने में। हमारी कंट्रीज़ में ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज़ आर इलेक्टेड थ्रू वोटिंग। सारी की सारी जो राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, सब वोटिंग के थ्रू ही बनाई जाती है। सो ये हो गया हमारा इलेक्शंस, डेमोक्रेसी एंड वोटर। जो हम है, सिटीजन्स है, सिटीजन्स ही वोट करते हैं, इसलिए सिटीजन्स को वोटर्स बोलते हैं। वोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। आर कंट्री हैज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब अबाउट द एज ऑफ 18 हर किसी के पास वोट करने का राइट है, इन स्पाइट ऑफ देयर कास्ट, एज, सेक्स, क्रीड, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हर किसी के पास एक वोट करने का राइट है। A person who has not declared bankruptcy or is not mentally unstable can vote. और साथ ही साथ जो person vote कर रहा है वो bankruptcy नहीं होना चाहिए या फिर वो mentally ill नहीं होना चाहिए। Constitution guarantee करती है कि अगर आप illiterate हो या अगर आप poor भी हो तो भी आपके पास right है vote करने का। और ये हर citizen की responsibility है, हर citizen की duty है कि वो बिना कोई greed के या बिना कोई fear के फेयर वोटिंग करें, राइट? वोटिंग इज़ अ राइट एज वेल एज अ ड्यूटी। अब ये जो वोटिंग है वो हमारा राइट भी है और हमारे सिटीजन्स की ड्यूटी भी है जो कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इलेक्शन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन जैसे कि हर जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है और यही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम इलेक्शन कर सकते हैं, हम हमारे गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्शन। कौन कौन इलेक्शन कर सकता है? कोई भी पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करता वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। जो इलेक्शन है, जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं या फिर जो कोई कोलिएशन पार्टी से बिलोंग करते हैं वो विन हो सकते हैं इलेक्शन में। डेमोक्रेसी ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल कैन रीच टू द पावर। अब अगर पीपल का सपोर्ट होगा, पीपल आके वोट करेंगे तभी वो इलेक्ट हो पाएंगे, तभी वो पावर में आ पाएंगे। हमारी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट जो है वो एपेक्स बॉडी है एंड द बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक इन द ग्राम पंचायत। इलेक्शन आर हेल्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक ग्राम पंचायत। ये खाली लेजिस्लेटिव, राज्यसभा, लोकसभा तक ही इलेक्शंस सीमित नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं।
इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन म्यूनसिपैलिटीज, इन टाउन्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड सिटीज, यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। इलेक्शंस लाइफ लाइन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की। इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज कैंडिडेट, दोनों के लिए ही इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन एक बैरोमीटर है डेमोक्रेसी का, मतलब बताता है कि ये कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है। इलेक्शंस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वोटर को, इलेक्शन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू इवेल्युएट द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं कौन कैंडिडेट सबसे अच्छा है और उसी को वोट किया जाता है। इलेक्शन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट, अब जैसे एक पार्टी इलेक्ट हुई, अब वो बताएगी कि गवर्नमेंट का फ्यूचर कैसा होगा, नेशन का फ्यूचर कैसा होगा। इलेक्शन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड इज एसेंशियल, दैट इज इट इज ट्रांसपेरेंट। अब इलेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे फ्यूचर को बताता है, इसीलिए इलेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। राइट, सो यहाँ पर हम हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी एंड द मीडियम ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी एंड सो ऑन।